नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। रिदम चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। 28 जुलाई दिन शुक्रवार सन 2023, प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष का दिन है, शुक्रवार का दिन है और तिथि पड़ेगी आज के दिन दशमी तिथि का प्रादुर्भाव हुआ है। इसके उपरांत एकादशी का प्रादुर्भाव हो रहा है। नक्षत्र आज अनुराधा है और 12:55 AM के उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रादुर्भाव हो रहा है। 12:07 PM से 12:59 तक रहेगा। राहु काल सुबह के 10:54 से लेकर 12:33 तक रहने वाला है। दोस्तों, यह है आज का पंचांग। आज का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात आपके जीवन में सबसे बड़ा, तो जो कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता, इस प्रकार से हम कहते हैं। तो ज्येष्ठ नक्षत्र भी बड़ा नक्षत्र माना गया है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे के जीवन में काफ़ी तरक्की हो सकती है अगर वो अपने गणमूल दोष की शांति करा ले। जैसा कि मैंने बताया, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 नक्षत्र गणमूल के नक्षत्र हैं। उनमें ज्येष्ठा का जो नंबर है, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल और रेवती, तो आप ये देखिए कि चौथा नक्षत्र है जो गणमूल का माना गया है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे को थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है, परंतु जीवन में तरक्की जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आज के दिन ये नक्षत्र आपके जीवन में शुभता लाए, आपके जीवन में लाभ रहे और जीवन में खुशहाली रहे, उसके लिए इसकी शांति जरूर कराएं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। क्या कह रहे हैं आपकी किस्मत के सितारे, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के बारे में। जिनकी मेष राशि है उनका कैसा रहने वाला है आज का दिन। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य का काफ़ी ज़्यादा परेशानी का योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा के कारण आपको फीवर जैसी संभावना भी हो सकती है जिनकी मेष राशि है। स्वास्थ्य में आँखों का ध्यान रखें। दूसरा, मित्रों दोस्तों के सहयोग से चलें। धन की स्थिति मजबूत रह सकती है। आर्थिक समस्याएं आपके जीवन की सॉल्व हो जाएंगी। आने वाला जो दिन है आज का, पूरा दिन आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। दूसरा, मंदिर में कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान करने से, धर्म करने से आपके जीवन में सुख शांति अवश्य होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। अब जिनकी है वृषभ राशि उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मित्रों दोस्तों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना बनेगी। धार्मिक कृत्यों में रुचि बढ़ेगी। आप चाहें तो अपने घर पर कोई भी कीर्तन इत्यादि कर सकते हैं। परिवार में आप आज के दिन अपने घर के अंदर कोई यज्ञ आदि कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और शुक्र मंत्रों द्वारा शुक्र को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन आपका राशि का जो स्वामी है शुक्र है और शुक्रवार का ही दिन है। तो ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें, उससे मिलेगा विशेष लाभ जिनकी है वृषभ राशि। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का सितारा क्या कह रहा है आज के दिन। जिनकी मिथुन राशि है उनके लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है आज का दिन। धार्मिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, धर्म कृत्यों में रुचि भी बढ़ेगी। आज के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो विशेष लाभ की संभावना रहेगी। आज के दिन आप अपने मन को कंट्रोल कर करके चलें, किसी से कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें। झगड़े झंझट से आपको बचना चाहिए। परिवार में कलह कलेश का योग बन सकता है, शांति बना करके रखें। आपके जीवन में खुशी का संचार होगा। गणेश जी और दुर्गा जी की वंदना करने से आपका कार्य सिद्ध होगा। धार्मिक स्थान पर जाकर के
कुछ गरीबों को धन दे करके संतुष्ट करें, उससे विशेष लाभ रहेगा, जिनकी है मिथुन राशि। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। कर्क राशि वालों को मन की स्थिति को कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता रहेगी। आज के दिन जल्दबाजी से लिए गए निर्णय नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। आज के दिन मंगल उत्सव होने की संभावना भी बनेगी। अगर हो सके तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, उनका ध्यान करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। अगर आपके जीवन में संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही तो आज के दिन ही आप जो है आज संतान के लिए ट्राई भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको मिले विशेष लाभ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के किस्मत के सितारे क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वालों को अपने साथ सुविचार रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के रुद्रा अभिषेक कराने से लाभ भी प्राप्त होगा। माता के मंदिर में जाएं, नींबू की माला चढ़ाएं, उससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। आज का दिन आर्थिक और सामाजिक स्थिति आपकी बढ़ेगी और आज के दिन सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता रहेगी। परिवार में भी खुशी मिलने की संभावनाएं बन रही हैं, तो आज का दिन आपके लिए मंगलकारी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए आज का दिन किस प्रकार से रहेगा। कन्या राशि वालों को आज के दिन काफी ज्यादा धन का लाभ, प्रतिष्ठा का योग, भाग्य में वृद्धि, आमदनी में वृद्धि, यात्रा से लाभ की संभावना बन रही है। तो आज का दिन आपके लिए काफी मंगलकारी रहने वाला है। प्रतिष्ठान में जाकर के किसी गरीब को वस्त्र दिलाने से लाभ रहेगा और किसी गरीब को वस्त्र का दान करने से आपके जीवन में आएगी शांति। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज के दिन धन की वृद्धि का योग, मित्रों का पूर्ण सहयोग रहने की संभावना बन रही है। किसी गरीब को चप्पल जूते का दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और आज के दिन अगर आप किसी को चप्पल जूते के अलावा वस्त्र का दान कर दें तो उससे विशेष लाभ भी प्राप्त होगा। तो जिनकी तुला राशि है उनके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने का योग बन रहा है। खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, कंट्रोल करके चलें, मन को भी काबू करने की आवश्यकता है और हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जिनकी वृश्चिक राशि है उनको आज के दिन अपना कोई भी बाल इत्यादि नहीं, हजामत इत्यादि नहीं बनवानी चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि इस नक्षत्र में अगर आपका कोई भी बाल कटवाते हैं या हजामत आदि बनवाते हैं तो आपको शारीरिक कष्ट आने की संभावना हो सकती है, जिनकी वृश्चिक राशि है। दूसरा, किसी भी पवित्र नदी में एक नारियल जो है अपने हाथ से वार कर प्रवाह करें। दूसरा, जो भी दुश्मन आपको तंग कर रहे हैं और माता के मंदिर में जाकर के बगलामुखी मंदिर में जाकर के यज्ञ कराएं, जिससे कि दुश्मनों का नाश हो। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाय कीलाय कीलाय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम, इस मंत्र का जाप करें जिससे कि आपका सभी संकट दूर हो जाए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। जिनकी धनु राशि है उनका कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज के दिन यात्रा मंगल में रहेगी, धन की स्थिति भी मजबूत होगी, पारिवारिक कलह कलेश से भी लाभ रहेगा। परिवार में कोई दूर दराज से मित्र या सहयोगी आ सकता है। खर्चे खूब रहेंगे, ट्रैवल करने से काफ़ी ज़्यादा लाभ की संभावना बनेगी। पेट का और डाइजेशन का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में
और मानसिक अशांति संभव है, डिप्रेशन से बचना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जिनकी मकर राशि है उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? विद्या बुद्धि आपकी बढ़ेगी। दूसरा, हेल्थ का काफी ध्यान रखें। सहयोगियों के सहयोग से लाभ आपको प्राप्त होगा, परंतु एक मंत्र अवश्य करें, ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करें और यात्रा से बचना चाहिए आज के दिन जिनकी मकर राशि है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के सितारे क्या रहे कह रहे हैं? कुंभ राशि वालों को थोड़ा मानसिक अशांति, स्ट्रेस हो सकता है, अपने मित्रों दोस्तों के कारण भी आप पीड़ित रहेंगे। जो भी रिलेशनशिप में आप हैं उस रिलेशन को लेकर भी आपको चिंता रह सकती है। माँ भगवती का ध्यान करने से विशेष लाभ रहेगा। दुर्गा जी के 32 नाम जरूर पढ़ें, जिससे कि आज के दिन जो भी संकट आ रहा है वो दूर हो जाए। दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गम छेदिनी, दुर्गा नाशिनी, दुर्गा निहंती, दुर्गा माँ पहा, दुर्गा माँ ज्ञानंदा, दुर्ग दैत्य लोकादमना, दुर्गात्म स्वरूपणी, इस प्रकार से जो 32 नाम है इनका प्रयोग करने से विशेष लाभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि आपको मालूम है इस साल का राजा और इस साल का मंत्री राजा बुध हैं और शुक्र मंत्री हैं और शुक्रवार का ही दिन है। तो आज के दिन मीन राशि वालों को कहीं से बल्क मनी प्राप्त होने की संभावना है। जो आप किसी के लिए कार्य कर रहे थे इतने दिनों से, उस कार्य का लाभ आज के दिन होगा। अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा में भी पार्टिसिपेट करते हैं उससे भी आपको लाभ की संभावना रहेगी। दूर की यात्रा संभव रहेगी। मन को कंट्रोल कर करके चलें और पेट का और डाइजेशन का ध्यान भी रखना चाहिए। दोस्तों ये था आज का राशिफल। अब बात कर लेते हैं एक वास्तु टिप के बारे में। दोस्तों जीवन के अंदर लोग सोचते हैं कि हमारे को टॉयलेट किधर बनाना चाहिए, टॉयलेट का जो अच्छा स्थान है कौन सा होना चाहिए। जो सबसे बेस्ट स्थान रहता है वो पश्चिम या उत्तर पश्चिम के बीच का हिस्सा जो है उसमें टॉयलेट बनाएं और टॉयलेट का मुख उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ रखें, उससे विशेष लाभ रहेगा। जीवन में जो भी अशांति आ रही है वो सभी दूर होंगी। अगर दोस्तों आप चाहते हो आपके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि का वास रहे, तो आप आज शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन गरीबों को दूध दान करें, फल दान करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। अगर हो सके तो व्रत भी रखें। आप देख रहे हैं रितम चैनल, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। नमस्कार।